हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हाल ही में यूपी ट्रिपल एससी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अपना कैलेंडर जारी किया, जिसमें उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग में जितने भी पद थे सभी पदों को उसने हटा दिया है, जो कि पुराने कैलेंडर में गन्ना पर्यवेक्षक, कृषि प्राविधिक सहायक 2500 पद सृजित किए गए थे, उसको हटा दिया गया है इस नए कैलेंडर में। और ये उत्तर प्रदेश में कृषि छात्रों के साथ पूरी तरीके से अन्याय हो रहा है। अभी हाल ही में चुनाव हुआ, चुनाव के पहले हम लोगों ने धरना दिया पिकअप भवन लखनऊ में जाके। वहाँ पर हमें आचार संहिता चुनाव के नाम पर झुठलाया गया, बहाना बताया गया आयोग की तरफ से कि चुनाव संपन्न होने के बाद आप लोगों की वैकेंसी तुरंत रिलीज कर दी जाएगी, जो कि अभी तक अता पता नहीं है। उत्तर प्रदेश कृषि निदेशक भवन से सभी खाली हुए पदों का विवरण भेजा जा चुका है आयोग में, और उनकी तरफ से कई बार रिमाइंडर भी दे दिया गया है कि खाली पदों को जल्द से जल्द भरा जाए, लेकिन आयोग की तरफ से लापरवाही बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। इसलिए उत्तर प्रदेश में सभी कृषि छात्रों ने आह्वान किया है कि कल 25 अप्रैल को विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा पिकअप भवन लखनऊ सुबह 10 बजे। अतः आप सभी से निवेदन है कि उत्तर प्रदेश के समस्त कृषि अभ्यर्थी एवं अन्य छात्र जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले हैं, वो कल सुबह 25 अप्रैल लखनऊ पिकअप भवन जरूर पहुँचे और अपना सहयोग दे। कृषि विभाग में काफ़ी सारे पद खाली हुए हैं। पिछली वैकेंसी 2018 के बाद आज तक कोई वैकेंसी कृषि विभाग में नहीं आया है, और जितने भी पद हैं सरकार की तरफ से सभी पदों को ख़त्म कर दिया जा रहा है। अतः आप सभी कृषि छात्र जाग जाइए और अपने हक की लड़ाई में आप लोग आगे आइए। कल सुबह लखनऊ जरूर से ज़रूर पहुंचना है, समस्त कृषि छात्रों तक बात को पहुंचनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभिषेक कुमार वर्मा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय MSc इंटरमोलॉजी छात्र। धन्यवाद।